हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानने से पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जिसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ये 6 होते हैं। कौन कौन से होता है? फर्स्ट होता है आपका साइन, दूसरा होता है आपका कोसाइन, थर्ड हो जाएगा आपका टेंजेंट, और फोर्थ हो जाएगा आपका कोसेकेंट, फिफ्थ हो जाएगा आपका सेकेंट, और सिक्स हो जाएगा आपका कोटेंजेंट, इन्हें हम लोग शॉर्ट में कहते थे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब हम लोग इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फंक्शन के फॉर्म में देखने वाले इस चैप्टर में। तो फंक्शन के लिए आप जानते ही हैं कि अगर अगर कोई रिलेशन एफ ए टू बी में फंक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, इसके हर एक एलिमेंट के बी में यूनिक इमेज होने चाहिए। ये हम लोग ने जानते हैं फंक्शन होने के लिए। तो यहाँ पे हम ये भी ध्यान रखेंगे कि फंक्शन कब होता है, और साथ ही साथ हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फंक्शन के फॉर्म में देखने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसका एंगल एक्स ले लेंगे, तो फंक्शन मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख लेते हैं। तो इसके फंक्शन होने के लिए इसका डोमेन क्या लेना होगा, कोडोमेन क्या लेना होगा, इन सब बातों पर भी हमें यहाँ ध्यान देना होगा। तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स इधर दे देंगे आप एक्स डैश, वाई, और यहाँ दे देता हूँ मैं वाई डैश। हम लोग इस पर एक सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर इसका ओरिजिन हो जाएगा, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा यूनिट रेडियस ले लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि इसका रेडियस जो है वन है, रेडियस वन यूनिट है, ठीक है। तो इसका वन यूनिट रेडियस हम लोग ले लेते हैं, और इसका ओरिजिन जो हो रहा है वह सर्कल का सेंटर हो जा रहा है, इसे हम लोग हो देते हैं, ये एक्सिस का ये जो ओरिजिन है ये सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका जब वन यूनिट आप रेडियस ले रहे हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट अगर इसे पॉइंट ए देते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, इसे आप बी लिख देते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 1, क्योंकि इसका रेडियस 1 यूनिट है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे आप सी लिख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -1 0, इसे आप डी लिख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट 0 -1, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग इतना लिख लेते हैं क्या किए इसमें। हमने यहाँ पे लिया है ए यूनिट सर्कल, सेंटर्ड एट द ओरिजिन ओ ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि इस सर्कल पर एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग यहाँ देते हैं P, और जिसका कोऑर्डिनेट जो है हम लोग एक्स वाई ले लेते हैं, या फिर ए बी जो मर्जी हो वो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, और हम लोग यहाँ ये दे देते हैं कि ये सेंटर सर्कल के सेंटर के साथ यानी ओरिजिन के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल फॉर्म करता है। हम लोग लिख देते हैं कि लेट पॉइंट पी, विथ कोऑर्डिनेट क्या, एक्स वाई, लाई ऑन द सर्कल,
सर्कल फॉर्म्ड एन एंगल थीटा एट द सेंटर। ठीक है, थीटा एंगल फॉर्म करता है। अब देखिए इसके बाद मैं यहां पर इस पॉइंट से पी पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लेके आता हूं, ठीक है, और इसका यहां पे नाम देते हैं क्यू, डॉटेड कर देते हैं इसे, समझ गए। देखिए ये जो वन आप देख रहे हैं ये टोटल ओ ए था आपका, लेकिन ओ क्यू की बात करें तो ओ क्यू आपका एक्स हो जाएगा, देखो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई हो जाएगा, और ओ ए जो पूरा क्या है ये आपका वन है, वन यूनिट है। तो ये ओपी भी वन यूनिट होगा, ये भी तो रेडियस ही है ना जी, रेडियस ही है। तो अब यहां से अगर हम लोग ये एंगल लेते हैं और साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच ना, यानी पी क्यू बाई ओ पी ये ना हो जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा वाई बाई वन, यानी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई। ठीक है, उसी तरह से आप कॉस थीटा लगाते हैं, ये लेते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि ओ क्यू बाई में ओ पी, ठीक है, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू में हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स बाई वन, इसका मतलब यहां से हो गया कॉस थीटा इक्वल टू में एक्स, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। अच्छा यहां से एक और चीज हमें देखने को मिली कि अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट की बात करें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या निकला है कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू क्या निकला है यहाँ पर साइन थीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसका कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, अगर एंगल थीटा ये फॉर्म कर रहा है सेंटर पे तब, समझे ना। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, हम इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में इसमें आते हैं, ठीक है, ट्रायंगल पी ओ क्यू में देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा वन का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस हो जाएगा ना, पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ ये आपका है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पी क्यू है वाई का स्क्वायर, और इक्वल टू में वन का स्क्वायर, वन एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला है यहाँ कॉस थीटा ना, और वाई का वैल्यू हमें मिला है साइन थीटा। तो यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी भी मिल गई कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, ये हम लोग क्लास टेंथ में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इस इन एक्सिसों पे देख के चले तो हमको पता है कि ये जो होता है ओ ए, इसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, अगर यहाँ पे इस एंगल की बात करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल पी ओ क्यू की बात करेंगे तो पी ओ क्यू कहिए या पी ओ ए कहिए, तो ये ओ ए जो हो जाएगा ना इनिशियल रे होगा, और ये आपका क्या होगा टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड कह दीजिए या रिवॉल्विंग साइड भी कह दीजिए, तो इनिशियल ये होगा और ये टर्मिनल होगा या फिर रिवॉल्विंग होगा, तो ये ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है, मैंने आपको बता रखा है ना। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि साइन जीरो डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो देखो साइन जीरो होने का मतलब इनिशियल और ये फाइनल या टर्मिनल दोनों जो होंगे कहाँ होंगे, यही पे एक्स एक्सिस पर, तभी ना एंगल जीरो फॉर्म होगा, और जीरो फॉर्म होगा तो जीरो जब फॉर्म होगा तो ये कॉस का वैल्यू होगा और ये साइन का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो। अच्छा अगर हम लोग कॉस जीरो की बात करें तो यहीं पे ये वाला हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, वन हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन 90 डिग्री की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ आ जाएगा,
तो ये आपका होता है ना जी कॉस, ये कॉस होता है और ये साइन होता है, पहला कॉस और दूसरा साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी वन, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे कॉस 90 की, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना इसका, 90 ये होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए उसी तरह से साइन 180 की बात करें तो 180 यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, ये 180 ये ना होगा, तो इसका आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 और कॉस 180 का क्या हो जाएगा यहां पर, कॉस 180 क्या, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1। फिर साइन 270 का, तो 270 यहां से चल के यहां आ जाएगा, तो y एक्सिस के निगेटिव की तरफ आ गई इसका, इसका y कोऑर्डिनेट -1 है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें cos 270 का, तो इसका x कोऑर्डिनेट, फिर अगर इसी तरह से अगर बात करें sin 360 का, तो 360 का मतलब यहाँ से ये रिवॉल्व हो गया फिर वहाँ यहीं पे आ गया, तो इसका आपका क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें cos 360 का, तो इस पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट, फिर अगर इसमें और बढ़ जाए, अगर हम लोग अब बात करने लग जाए sin कितना, इसमें आप 90 बढ़ जाओ, 90 बढ़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 450 का, तो यहाँ से अब ये चल के इस पे आ जाएगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। फिर आपका यहाँ अगर हम लोग बात करें cos 450 का, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग वैल्यूज आगे निकालते जा सकते हैं, आगे हम लोग इसी तरह से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, देखिए साइन 0 का 0 हो रहा है, फिर देखिए साइन 180 का भी 0 हो रहा है, साइन 360 का भी 0 हो जा रहा है, यानी कि 180 180 180 ऐसे बढ़ रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं क्या 180 का मल्टीपल जाने पर साइन में 0 हो जा रहा है। तो इससे हमें एक कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर अगर आपके पास कहीं पे साइन थीटा इक्वल टू 0 हो, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू जो होगा वह एन पाई होगा, एन बिलोंग्स टू जेड। साइन थीटा का वैल्यू कहीं 0 दिया हो तो थीटा का वैल्यू वहाँ पे क्या होगा, एन पाई होगा, और एन क्या होगा यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, यानी यहाँ पे देखो आप 1 रखोगे तो ये पाई हो जाएगा, 0 रखोगे एन का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 पाई हो जाएगा, तो देख रहे ना 2 पाई यानी 360, पाई यानी कि 180, अच्छा 3 रखेंगे तो 3 पाई, 4 रखेंगे तो 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो देखो 1 पाई, 2 पाई, अच्छा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, देख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज भी जाके देख रहे हैं, तो हर एक पे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, साइन 0 मिल रहा है, यानी पाई के मल्टीपल पे हमें निगेटिव में जाए या पॉजिटिव में हमेशा वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। तो एक हमें एक यहाँ से फॉर्मूला भी मिल गया कि साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है जब थीटा का वैल्यू एन पाई हो, जहाँ एन क्या होगा, कोई इंटीजर हो। चलिए अब उसी तरह से दूसरी बात करते हैं कॉस के लिए, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, देखिए 90 पे 0 हो रहा है, फिर यहाँ पर देखो 270 पे 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखो 450 पे 0 हो रहा है कॉस में। तो देखिए कॉस 0 90 पे यहाँ पे जाने पे देखो, और फिर यहाँ पर आ जा रहे हैं 270 पे यहाँ 0, देख रहे हैं ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा 0 तभी होता है जब थीटा का वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 एन बिलोंग टू जेड इस फॉर्म में हो। देखो 2n+1 के लिए ऑड लिए, क्योंकि देखो यहाँ 1π/2 फिर 3π/2, अरे यहाँ पर 90 पे होने का मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू हुआ, अच्छा यहाँ पर 270 का मतलब क्या हुआ, 3π/2 हुआ, 450 का मतलब क्या हुआ, 450 का मतलब हो गया 5π/2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब ऑड में पाई बाई टू ले रहे हैं तब हो रहा है, तो 2n+1 ऑड नंबर का ही ना फॉर्म है। यहाँ पे देखो
एक जगह कोई इंटीजर रखो, जीरो रखोगे तो पाई बाई टू आ जाएगा, वन रखोगे तो आपका थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, टू रखोगे तो आपका फाइव पाई बाई टू आ जाएगा, माइनस वन रखोगे तो माइनस पाई बाई टू आएगा, तो माइनस पाई बाई टू, यहाँ से ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज चलेंगे। तो देखो इसका कॉस यही ना है जी, तो यहाँ से ये भी हमें कंक्लूजन निकला कि कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होता है कब, जब थीटा टू एन प्लस वन पाई बाई टू हो, जहाँ एन बिलोंग्स टू जीरो। यानी आप एन की जगह कोई भी आप इंटीजर ले सकते हो, उन सभी वैल्यूज पे कॉस का वैल्यू जीरो होगा, समझे ना। अच्छा, हमने यहाँ पर दो फंक्शन साइन और कॉस के बारे में देखा कि साइन और कॉस ऐसा फंक्शन है जिसका पॉजिटिव में भी कहीं तक चले जाओ इन्फिनिटी तक, या निगेटिव में भी चले जाओ, हर एक का वैल्यू होगा। हमने यहाँ पे देखा कि साइन थीटा के लिए और कॉस थीटा के लिए थीटा आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ले रहे हैं, इसका वैल्यू डिफाइन कर रहा है। देख रहे ना, ऐसे जा रहे हैं क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, हर एक का वैल्यू हो रहा है, हर एक का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, रियल वैल्यू मिल रहा है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच आप साइन या कॉस में किसी का भी वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक रियल वैल्यू ही मिलेगा। तो ये दोनों आपके रियल फंक्शन हो गए, साइन और कॉस दोनों कैसे फंक्शन हो गए, रियल फंक्शन हो गए। तो क्या अदर और चार जो फंक्शन है, और चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो क्या हर एक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे डिफाइन होते हैं, रियल होते हैं? चलिए अब हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे टेन थीटा की बात करें, तो टेन थीटा का हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं रेशियो में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पढ़े हैं ना क्लास 10 में। तो आपको पता है कि फंक्शन ये होने के लिए कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z के। जब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि थीटा इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, यानी कि tan थीटा इक्वल टू जो sin थीटा बाई cos थीटा लिखते हैं, तो ये सही नहीं होगा अगर ये कंडीशन नहीं लगाए तो। क्योंकि ये अगर ये फंक्शन है, पहले तो हम लोग रेशियो देख रहे थे ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वहां अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको फंक्शन के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो फंक्शन के फॉर्म में देखने के लिए एक कंडीशन हमें यहाँ पर देना होगा, ताकि यहाँ ये हमें इसका वैल्यू हमेशा रियल मिले। ये फंक्शन है तो इसका वैल्यू हमेशा रियल मिलना चाहिए ना जी, तो रियल फंक्शन है इसलिए हमें इसका वैल्यू रियल होने के लिए ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं फोर नंबर में। अगर हम लोग बात करें कॉट की, इसी के ऑपोजिट, तो ये आपको पता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कि थीटा नॉट इक्वल टू एन बाई एन बिलोंग्स टू जेड। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कॉट के बाद ले लेते हैं सेक की, सेक की, तो सेक का क्या होता है, वन बाई कॉस थीटा ना, तो नीचे यहाँ भी डिनोमीटर में जीरो नहीं होना चाहिए, कॉस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो। डैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन पाई बाई टू एन बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, एक और बच गया कॉस एक, कॉस एक थीटा की, तो इसका होता है वन बाई साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, तभी ये फंक्शन डिफाइन होंगे। तो हमने क्या देखा कि साइन और कॉस हर एक वैल्यू के लिए, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, और इन सब के लिए कंडीशन ये आपके आ जा रहा है, समझ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, अब हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ये फंक्शन के, इनके बीच के हम लोग कुछ रिलेशंस को देख लेते हैं। पहला हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। यहाँ फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा किसी भी रियल नंबर को यहाँ पे बिलोंग्स कर सकता है, किसी भी थीटा के रियल वैल्यू के लिए ये होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये हम लोग प्रूफ कर चुके थे अभी। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर थीटा
नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2n बिलोंग्स टू, ये मैंने आपको बता रखा है। और इसका 1 बाई कॉस, इसका साइन बाई कॉस होगा ना, तो कॉस नीचे डिनोमिनेटर में आ गया तो थीटा नॉट इक्वल इतना ना होना चाहिए। चलिए इसका हम लोग LHS लेकर प्रूफ करते हैं। वैसे तो हम लोग इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इनको साइन कॉस में बदलते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ LCM ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे देखो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा ना, और नीचे भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये आपका RHS आ गया। चाहो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ऊपर हमने देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। चलिए एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू होना चाहिए, कोई भी रियल हो सकता है बस थीटा नॉट इक्वल टू होना चाहिए एन पाई के, जहाँ एन बिलोंग्स करता है जेड से। इसका हम लोग LHS लेते हैं, तो यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो हम लोग ऊपर देखो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल नहीं हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और नीचे भी आपका साइन स्क्वायर थीटा कट के 1 आ जाएगा। तो इसको भी हमने प्रूव करके दिखा दिया, ये भी आपका RHS आ गया। तो इन तीन आइडेंटिटीज को, फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे और इसी के साथ हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पे जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।